पहला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ में शिशुपाल पर्वत किस जिले में अवस्थित है तो ये शिशुपाल पर्वत जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है महासमुंद जिले में जो है दोस्तों ये पड़ता है ठीक है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों धारी डोंगर कहलाती है जो कि 899 मीटर ऊंची है ठीक है शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है धारी डोंगर है जो कि 899 मीटर ऊंची है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ में छुरी मतरिंगा पहाड़ियों का विस्तार किन जिलों में है ठीक है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों तो जो छुरी मतरिंगा पहाड़ियां हैं दोस्तों इनका जो विस्तार है फैलाव है वो किन किन जिलों में पड़ता है रायगढ़ में पड़ता है इसके बाद कोरबा में और इसके उपरांत जो है सरगुजा में ये पड़ता है है ना यानी कि ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि पूर्व से पश्चिम की तरफ यदि हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रायगढ़ में इसके बाद जब हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो कोरबा में आता है और इसके बाद जो है वो आपका सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों ठीक है सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है ना वो रायगढ़ में आता है छुरी मतरिंगा पहाड़ी का चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ उत्तरी अक्षांश पर कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य स्थित है ठीक है तो कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य उत्तरी अक्षांश पे स्थित है दोस्तों सत्रह डिग्री छियालीस मिनट उत्तरी रेखा से चौबीस डिग्री पाँच मिनट जो है उत्तरी रेखा के मध्य जो है ये स्थित है ठीक है यहाँ पे आपने नक्शे में देख सकते हैं दोस्तों देखिए ये आपकी उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं ये रहा छत्तीसगढ़ का नक्शा ऊपर में जो है और ये नीचे के नीचे से जो है सत्रह डिग्री छियालीस मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरती है और जस्ट इसके शीर्ष पे मतलब छत्तीसगढ़ के बिल्कुल उत्तर में जहाँ पे पड़ता है ये चौबीस डिग्री पाँच मिनट उत्तरी अक्षांश इन दो रेखाओं के मध्य में जो है छत्तीसगढ़ राज्य है यानी कि सा, साधारण शब्दों में कहा जाए तो उत्तर और दक्षिण दिशा जो छत्तीसगढ़ का पड़ता है वहां से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं तो अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी समानांतर में ठीक है ना तो ऊपर से गुजरती है आपके चौबीस डिग्री पाँच मिनट और नीचे से गुजरती है सत्रह डिग्री छियालीस मिनट ठीक है इस तरह से ये इन दोनों के मध्य में स्थित है यदि हम बाजू बाजू के देशांतर को देख लें यानी पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को देख लें तो पूर्वी देशांतर जो है दोस्तों वो अस्सी डिग्री पंद्रह मिनट से लेके चौरासी डिग्री पच्चीस मिनट है ना के बीच में जो है ये स्थित है ठीक है तो देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण ऊपर से नीचे गुजर रही है ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हैं अस्सी डिग्री पंद्रह से लेकर चौरासी डिग्री पच्चीस मिनट ये दोनों रेखाओं के बीच में जो है इस तरह से खड़ा है और यदि हम समानांतर बात करेंगे पैरलर बात करेंगे तो नीचे आपका 17 डिग्री छियालीस मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में छत्तीसगढ़ अवस्थित है ग्लोब पर ठीक है ग्लोब पर चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत किस जिले में स्थित है ठीक है तो सिहावा पर्वत जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए जो है काफी कह सकते हैं वरदान है ठीक है क्यों वरदान है क्योंकि सिहावा पर्वत से ही जो है दोस्तों महानदी का उद्गम होता है ठीक है चलिए तो महानदी अपवाहा तंत्र आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का जो मैदानी हिस्सा है टोटल महानदी के चलते ही जो है उपजाऊ है तो छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत किस जिले में स्थित है धमतरी जिले में जो है दोस्तों ये स्थित है अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ में विस्तारित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है ठीक है इसको पहाड़ी श्रृंखला भी कह सकते हैं पहाड़ी श्रृंखला ही कहना चाहिए ज्यादा उचित रहेगा तो छत्तीसगढ़ में विस्तारित सबसे लंबी पहाड़ी श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो कौन सी है दोस्तों देखिए कई सारी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ जैसे छुरी मतरिंगा पहाड़ी पड़ जाती है है ना उत्तर दिशा में अभी मैंने इसके बारे में बात किया आपको महकल पर्वत पड़ जाता है सिहावा पर्वत पड़ जाता है शिशुपाल पड़ जाता है बेलाडीला की पहाड़ियाँ पड़ जाती है आबूजमाड़ की कुछ पहाड़ियाँ पड़ जाती हैं ठीक है इस तरह से कई सारी पहाड़ियाँ हैं है ना रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं उत्तर दिशा में छत्तीसगढ़ के तो इन सभी पहाड़ियों में जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो कौन सी पहाड़ियों की है तो कौन सी दोस्तों मैकल पर्वत श्रृंखला जो है ये जो है छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में जो है पड़ता है सबसे किनारे किनारे पड़ता है छत्तीसगढ़ के जस्ट किनारे किनारे पड़ता है ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ में या पहाड़ी श्रृंखला जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है ये जो मैकल पर्वत श्रृंखला है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत माला का ही एक हिस्सा है ठीक है चलिए नक्शे में देखते हैं कहाँ कहाँ पे है ये रहा आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा देखिए ये रहा आपका मैकल पर्वत श्रृंखला ये मुंगेली फिर इसके बाद इधर बिलासपुर फिर ये कबीरधाम जिला और नीचे राजनांदगांव से लेके कांकेर तक जो है इन जो है पांच डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है ठीक है कहीं कहीं कवर्धा भी लिख देता है कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट को देखो पहले ना कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट का नाम ना कवर्धा डिस्ट्रिक्ट था आज भी जो है कई जगह लोगों की ज़ुबान पे भी कवर्धई डिस्ट्रिक्ट कवर्धा जिला कवर्धा ज़िला ही छाया रहता है इसके अतिरिक्त तो जो है कई जगह ऑफिशियल भी जो है कवर्धा ज़िला ही लिखा जा लिखा जाता है ठीक है ना प्रश्न पत्र में भी पूछ देता है कवर्धा ज़िला लिख देता है तो आपको कंफ्यूज़ नहीं होना है यदि कबीरधाम लिखे या कवर्धा लिखे दोनों एक चीज़ें न कवर्धा का नाम बाद में बदल के कबीरधाम जिला रख दिया गया है उस कबीरधाम ज़िले के अंतर्गत जो है चार ब्लॉक हैं कवर्धा सहसपुर लोहारा बोलडा और पंडेरिया ठीक है तो इसमें जो कवर्धा है एक जनपद भी है ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखना है तो मैं एक बात कर रहा था कि पांच जिले जो हैं जिनसे महकल प्रवत श्रृंखला जो गुजरती है उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे दिशा है ना क्रम पे क्रम की बात कर रहा हूँ उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे क्रम और ये कहाँ है छत्तीसगढ़ के बिल्कुल पश्चिमी छोर पे है कौन कौन से जिले है? पहला बिलासपुर दूसरा मुंगेली फिर कबीरधाम उसके नीचे राजनांदगांव और थोड़ा सा जो है कांकेर जिले में भी आता है दोस्तों ठीक है मैकल जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है बदरगढ़ है 1176 मीटर सबसे ऊंची चोटी है मैकल पर्वत श्रेणी ना? की ठीक है ना ना कि छत्तीसगढ़ की ये चीज आपको ध्यान में रखना है ठीक है दोस्तों और जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है जिसका ये हिस्सा है मैकल पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है धूपगढ़ है ठीक है आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे सतपुड़ा के जंगल ऐसे करके पहले आता था चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है ठीक है तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो दोस्तों सबसे ऊंचा पाट प्रदेश जो है वो कौन सा है तो कौन सा है दोस्तों सामरी पाट जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है दोस्तों ठीक है ये जो सामरी पाट है ये कहाँ पड़ता है दोस्तों बलरामपुर जिले में जो है सामरी पाट पड़ता है सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है ठीक है और इसी सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो गौरा लाटा है जो कि 1225 मीटर ऊंची है जो कि सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ ही गौरा लाटा जो है सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है ठीक है यानी प्रश्न कहीं आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गौरा लाटा है ठीक है क्यों ऊंची चोटी है क्योंकि भाई ऊंची जगह पे है ना सामरी पार्ट जो है सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश है तो वहां पे जो चोटी है ऑटोमेटिक सबसे ऊंची हो जाएगी ठीक है और यदि प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा या सबसे लंबा पाठ प्रदेश कौन सा होता है तो कौन सा है जशपुर पाठ प्रदेश है दोस्तों ठीक है जो कि जशपुर जिले में ही पड़ता है सबसे बड़ा है इस पाठ प्रदेश के ऊपर मैं मैंने जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे तरह से वीडियो बनाया है काफ़ी अच्छे समझाया है यदि आपको पाठ प्रदेश समझना है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ सर्च करो वहाँ पे आपको पाठ प्रदेश वाला वीडियो मिल जाएगा दोस्तों ठीक है पाठ प्रदेश किसे कहते हैं ऐसे स्थान जो मैदानी क्षेत्रों से थोड़े ऊंचे होते हैं है ना यानी पठारों मैदानी आए फिर पठार है पठार से भी थोड़े ऊंचे होते हैं पर्वतों से या पहाड़ियों से नीचे होते हैं ऊपर जो उसका शीर्ष होता है ना पूरा समतल होता है इसको जो है पाठ प्रदेश कहते हैं दोस्तों ठीक है अच्छा चोटी की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं देखो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया आपका गौरा लाटा है जो कि 1225 मीटर ऊंची है सामरी पार्ट बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है इसके बाद दूसरे क्रम में जो है मतलब गौरा लाटा फर्स्ट नंबर उसके बाद सेकेंड नंबर पर कौन आती है नंदीराज चोटी आती है जो कि बैला में पड़ती है दोस्तों दंतेवाड़ा में बैलाडीला पहाड़ में पड़ती है जो कि एक मीटर ऊंची है दोस्तों ठीक है नंदीराज बेला डीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी वहाँ की है और सेकंड नंबर पे आती है छत्तीसगढ़ में हाइट के मामले में और तीसरे क्रम पे अगर हाइट के मामले में बात करेंगे तो बदरगढ़ आती है जो कि 1176 मीटर ऊंची है मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों ठीक है तो तीन चोटियां हो गई गौरालाटा सबसे बड़ी सेकेंड नंबर पे नंदीराज जो कि बेलाडिला पहाड़ी पे है और तीसरा जो है बदरगढ़ जो कि मैकल पहाड़ी पे है दोस्तों ठीक है चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक फैलाव किन शैल समूहों का है तो किन शैल समूहों का सबसे ज्यादा फैलाव जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है कड़प्पा शैल समूह का जो फैलाव है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है दोस्तों <द्णाग> अन्य कौन कौन से शैल समूह है तो आर्कियन शैल समूह है आपका धारवाड़ शैल समूह है गोंडवाना शैल समूह है ठीक है ये सारे शैल समूह भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ठीक है और मैंने लास्ट वीडियो में इसकी विशेषताओं को भी एक्सप्लेन किया था कि किसमें क्या पाया जाता है जैसे धारवाड़ में मैंने बताया था कि लोहा पाया जाता है कड़प्पा में चूना पत्थर है बॉक्साइड है डोलोमाइट यह सब इसमें पाया जाता है ठीक है इसके अलावा मैंने गोडवाना में बताया था कि कोयले के लिए जो है गोडवाना शैल समूह प्रसिद्ध है ठीक है यहीं से कोयला मिलता है सबसे ज्यादा चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य से लगती है ठीक है तो सबसे छोटी सीमा रेखा जो है किस राज्य से लगती है आंध्र प्रदेश से लगती है दोस्तों ठीक है आंध्र प्रदेश जो है आप जानते हैं ना तेलंगाना बन गया है तो आंध्र प्रदेश से जो है सबसे छोटी सीमा रेखा अब ये टच करती है सुकमा को ये टच करता है ठीक है यानी सुकमा जो है आंध्र प्रदेश को थोड़ा सा टच करता है बिल्कुल और सबसे ज्यादा कौन से राज्य लगता है तो उड़ीसा राज्य जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ और सबसे छोटा जो है बिल्कुल उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश जो है 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 थोड़ा सा बनाता ठीक चीज़ आपको ध्यान में रखना चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं रिहंद नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है ठीक है तो किस पहाड़ी से होता है रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा उदयपुर पहाड़ी से जो है दोस्तों रिहंद नदी का उद्गम होता है अभी मैंने आपको बताया छुरी मतरिंगा उदय पहाड़ी के बारे में ठीक है कहाँ पे विस्तृत है तो छुरी मतरिंगा उदयपुर पहाड़ी जो है यहाँ से रिहंद नदी का उद्गम होता है तीन जिले मैंने बताया आपको रायगढ़ कोरबा और सरगुजा में इसका फैलाव है दोस्तों रिहंद नदी जो है ये उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है उत्तर दिशा मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तरी दिशा की तरफ बहती है और सोन नदी में जाके जो है ये विसर्जित हो जाती है ठीक है सोन नदी छत्तीसगढ़ के उत्तरी मतलब कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का यदि आप नक्शा देखोगे ना तो ऊपर ऊपर बहता है बिल्कुल छत्तीसगढ़ के सिर पे से बहता है सोन नदी है ना तो उसमें जो जाके ये विसर्जित हो जाती है रेहंद नदी ठीक है करीब एक किलोमीटर के आसपास जो है ये बहती है छत्तीसगढ़ में ठीक है और कौन कौन सी नदियाँ हैं जो किस किस पहाड़ से निकलती है जैसे महानदी हैं अभी मैंने आपको बताया सिहावा पर्वत धमतीरी से निकलती है इसकी सहायक नदी मतलब महानदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है छत्तीसगढ़ में वह है शिवनाथ नदी तो शिवनाथ नदी कहाँ से निकलती है पाना बरस पहाड़ी राजनांद से निकलती है इसी प्रकार से दोस्तों इंदिरावती नदी जो है काफी महत्वपूर्ण है ठीक है छत्तीसगढ़ के लिए तो ये जो है कहाँ से निकलती है मुंगेर पहाड़ी से जो कि काला हांडी उड़ीसा में पड़ता है वहाँ से इंदिरावती नदी जो है निकलती है और छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है ठीक है हसदेव नदी कहाँ से निकलती है कैमूर पहाड़ी कोरिया से निकलती है केलो नदी कहाँ से निकलती है लुंडेक पहाड़ी से निकलती है इसके अलावा पैरी वगैरह जो है सर दोस्तों भातुरगढ़ पहाड़ी जो कि गरियाबंद में स्थित है यहाँ से सभी निकलता है काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों सब आपको याद रखना है अच्छा रिहंद नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि रिहंद नदी जो है वो उत्तरी दिशा में बहती है तो और कौन कौन सी नदियां जो उत्तरी दिशा में बहती हैं तो रिहंद के अलावा बनाप है गोपद है कन्हार है ये सारी नदियाँ जो है उत्तर दिशा तरफ में बहती हैं दोस्तों ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ठीक है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात तो किस नदी पे है मुंगा बहार नदी पे जो है दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात जो है ये स्थित है ठीक है और सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का करीब 300 फीट ऊंचा जो है दोस्तों ये मुनगा बहान नदी पे जो है तीरथगढ़ जलप्रपात जो है तीरथगढ़ जलप्रपात बनता है मुनगा बहान नदी पे 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है बहुत ही खूबसूरत दिखता है ठीक है कहाँ पड़ता है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात ठीक है बस्तर में चलिए दोस्तों अच्छा सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है चित्रकूट जलप्रपात जो है सबसे चौड़ा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का ठीक है चलिए भारत का न्यागरा के नाम से भी जानते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों वीर नारायण सिंह परियोजना किस जिले में स्थित है तो ये काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों वीर नारायण सिंह परियोजना जो है किस जिले में स्थित है तो कौन से जिले में है महासमुंद जिले में जो है दोस्तों वीर नारायण सिंह परियोजना स्थित है कौन सी नदी पे पड़ता है तो कोडार नदी पे ये स्थित है ठीक है इसके अलावा अन्य भी हम देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी परियोजना है कुछ महत्वपूर्ण कोई देख लेते हैं जैसे कि बोध घाट परियोजना है दोस्तों ये कहाँ पे भाई ये इंद्रावती नदी पे पड़ता है ठीक है बस्तर क्षेत्र में वीर नारायण सिंह मैंने आपको बतलाई दिया तांदुला बांध परियोजना जो है ये कहाँ पड़ता है तो तांदुला बांध परियोजना जो है दोस्तों ये आपका तांदुला नदी बालोद में पड़ता है ठीक है खूटा घाट परियोजना 1920 के आसपास बनाया गया था यह परियोजना खूटाघाट परियोजना जिसको संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जानते हैं दोस्तों यह जो परियोजना है खारंग नदी पे पड़ता है जो कि बिलासपुर में है ठीक है इसके अलावा खुड़िया बांध परियोजना जो है दोस्तों इसको राजीव गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं ठीक है ठीके? याद रखिए खुड़िया बांध राजीव गांधी खूटा बांध संजय गांधी दोनों भाइयों का नाम है ठीक है तो खुड़िया बांध परियोजना जो है वो राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जानते हैं और यह जो है दोस्तों मनियारी नदी पे पड़ता है ठीक है और ये मनियारी नदी मतलब क्षेत्र कौन सा पड़ जाता है मुंगेली वाला क्षेत्र पड़ जाता है ठीक है खूटागांड परियोजना भैंसाझार परियोजना कहाँ पड़ता है तो ये अरपा नदी पे पड़ता है जो कि आपका बिलासपुर क्षेत्र में पड़ जाता है इसी प्रकार से दोस्तों जोक नदी परियोजना जो है ये महासमुंद वगैरह पड़ जाता है केलो परियोजना वगैरह जो है केलो नदी रायगढ़ वगैरह में पड़ जाता है ठीक है तो ये सब कुछ परियोजनाएं हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस मिट्टी का फैलाव है ठीक है तो सबसे ज्यादा फैलाव जो है छत्तीसगढ़ में किस मिट्टी का है तो कौन सी मिट्टी दोस्तों लाल पीली मिट्टी जो है उसका फैलाव जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है ठीक है कई परीक्षाओं में जो है ये पूछता ही है कौन सी मिट्टी का फैलाव छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है करीब पचास से लेकर पचपन प्रतिशत के आसपास जो है ये फैला हुआ है दोस्तों इसका स्थानीय नाम जो है मटासी मिट्टी भी कहते हैं ठीक है थीके? कभी आपको लाल पीली ना देखना मटासी मिट्टी लिख देगा तो कंफ्यूज़ नहीं होना तो स्थानीय नाम में लाल पीली को मटासी मिट्टी के नाम से भी छत्तीसगढ़ में जानते हैं ठीक है दोस्तों पूरा मैदानी इलाका जो है ना छत्तीसगढ़ का जो बीज का पंखा आकृति है चापाकार आकृति भी बोलते हैं इसको ये पूरा जो है आपका लाल पीली मिट्टी का ही बना हुआ है ठीक है दोस्तों लाल पीली मिट्टी की विशेषता क्या होती है कि अम्लीय और छारी दोनों प्रकार का होता है और यह जो लाल पीली मिट्टी या मटासी मिट्टी है धान के पौधे के लिए ना काफ़ी ज़्यादा ही सर्वोत्तम है इसीलिए सबसे ज़्यादा धान की खेती यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में की जाती है लाल पीली मिट्टी है तो लाल क्यों हो जाती है पीली क्यों हो जाती है लाल इसलिए हो जाती है दोस्तों क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है और पीला क्यों हो जाता है क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड होता है ठीक है एकदम आराम से याद रखिए देखिए लाल और पीला लाल जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के चलते और पीला जो होता है फेरस फेरस ऑक्साइड के चलते पीला रंग होता है ठीक है दोस्तों इस मिट्टी में नाइट्रोजन है या फास्फोरस है ये ह्यूमस की कमी पाई जाती है और मैंने आपका स्थानीय नाम भी इसका बतला दिया कि इस मिट्टी को जो है मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं ठीक है अन्य मिट्टियों के भी बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी अन्य मिट्टियाँ और कौन कौन सी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में बलोई लाल बलोई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों जो कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में विस्तृत है ठीक है ठीक इसको टिकरा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं इसके अलावा जो है दोस्तों लाल दोमट मिट्टी भी पाई जाती है ठीक है लेटे मिट्टी पाई जाती है आपका और काली मिट्टी पाई जाती है ये पांच प्रकार की मिट्टियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं ठीक है बलोई मिट्टी जो कि दूसरे नंबर पे करीब 25 से 30 प्रतिशत के आसपास पाई जाती है छत्तीसगढ़ में इसकी जल धारण क्षमता जो है कम होती है इसलिए जो है ना ये उपजाऊ ज्यादा नहीं होती है ठीक है इसमें जो है मोटे अनाज लगाते हैं ये चीज विशेषता जाना लाल बलोई मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार है बाजरा है कोदो कुटकी मक्का वक्का ये सब मोटे अनाज जो है ये सब जो है लाल बलोई मिट्टी में लगाया जाता है दोस्तों ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखना है और ये मिट्टी अम्लीय मिट्टी होती है ठीक है ना अम्लीय मिट्टी जो है ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है ये चीज़ याद रखना अम्लीय मिट्टी होती है और इसमें अम्ल जैसे अम्लीय कोई मिट्टी है उसको अगर मान लीजिए उसके अम्लो को दूर करना तो क्या डालना पड़ता है चूना डालना पड़ता है ये चीज़ आप ध्यान रखो ठीक है इसके अलावा जो है दोस्तों आपका मैंने बताया काली मिट्टी वगैरह है काला मिट्टी कैसे बनता है लावा निर्मित मिट्टी होती है इसमें लोहे की मात्रा ना सबसे ज़्यादा होती है काली मिट्टी में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और ये जो है कैसे बनता है बेसाल्ट चट्टानी जो होती है ना उसके अपर्दन से बनता है ठीक है ना या जो लावा होता है उसके टूटने से या विशाल चट्टानों के टूटने से ये बनता है दोस्तों काली मिट्टी ठीक है और काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है ना वो सर्वाधिक होती है लेकिन इसकी कमी क्या होती है जैसे इसको धूप ऊप मिलता है ना ये मिट्टी फट जाती है दरार आ जाती है देखना आप फोटो दिखाते हैं ना पिक्चर वगैरह में खेतों का दिखाता है सूखा पड़ गया कैसे तो फटाफट मिट्टी दिखता है तो बिल्कुल वैसी फट जाता है मिट्टी ठीक है ना और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है दोस्तों ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है और इसमें चना गेहूं गन्ना ये सब जो है एकदम बेस्ट तरीके से उगता है चना है गेहूं गन्ना है ये सारा चीज इसमें उगता है और इसको स्थानीय इस नाम पे क्या बोलते हैं आ, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं कन्हार भी बोलते हैं भर्री मिट्टी भी बोलते हैं रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं ठीक है कई नाम है इसके ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इसके अतिरिक्त और क्या है लेटे मिट्टी है लेटे मिट्टी मतलब कि मैं कैसे बताऊं जो मुरुंगुरुंग होता है ना जैसे बोलते हैं मुरुंग हम बजरी मुरुग ये सब बोलते हैं ना मुरुग होता है या भाटा मिट्टी भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में इसको जो है ये लेटे मिट्टी होती है लाल रंग का कंकड़ कंकड़ वाला होता है ये ज़्यादातर ना पाट प्रदेशों में जो है ना जैसे सरगुजा संभाग में ऊपर मिलेगा या जगदलपुर वगैरह तरफ भी ये मिलता है थोड़ा बहुत ठीक है और ये मेन ना भवन निर्माण के कार्य आती है जानते हैं ना फाउंडेशन वगैरह बनाते हैं फाउंडेशन तो उसमें ये मिट्टी भरने के काम में आती है ज़्यादा ठीक है इसमें भी दोस्तों दो फसल ली जाती है और इसमें जो फसल ली ली जाती जाती है जाती है 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 जैसे कि कैसे बागानी चाय चाय खेती खेती जो जो ना ये सब की मिट्टी में ही करते हैं आलू है टमाटर है 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 लीची ये सब जो टमाटेराइट वगैरह में करते हैं और ये जो लेटराइट मिट्टी ना ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है मैंने बताया ना पाट प्रदेशों में पाया जाता है ये ज्यादातर ठीक है इसमें निश्छालन की प्रक्रिया होती है ठीक है मतलब इसका जो निर्माण होता है ना निश्छालन की प्रक्रिया के द्वारा होता है दोस्तों ठीक है इसके अतिरिक्त ऊंचे स्थानों के अतिरिक्त भी जो है ये लाल मिट्टी जो है यानी कि लेटे मिट्टी जो है ये बिलासपुर के कुछ क्षेत्र में कवर्धा राजनांदगांव रायपुर दुर्ग और धमतरी के कुछ कुछ क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलता है दोस्तों ठीक है जैसे आप कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ट्रेवल करोगे ना जाने के लिए तो मैदानी क्षेत्र में दिखेगा आपको ये है ना दिखता है थोड़ा बहुत बीच बीच में दिखता है दुर्ग वगैरह एरिया में भी जो है आपको अच्छा खासा दिख जाएगा रायपुर वाले एरिया में भी दिख जाता है ठीक है अगर दुर्ग से रायपुर जाओगे ना आप तो मेन रोड में जब आप जाओगे ना तो आपको साइड में दिखता है, ये से, के बीच में भी दिखता है तो ये जानकारी रहनी चाहिए के बारे में भी मैंने बहुत अच्छा वीडियो के डाल रखा है जियोग्राफी अब छत्तीसगढ़ में सर्च करके देख सकते हो बहुत कुछ डिस्कस नहीं कर सकते इसमें ना वीडियो लंबा हो जाता है यार एग्जाम में करके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा हूँ है ना चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ में दंडकार पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ठीक तो है तो जो पठार है दोस्तों उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नंदीराज है दोस्तों 1210 मीटर जो है ये चोटी ऊंची है मैंने आपको अभी बताया था कि नंदीराज चोटी जो है बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ठीक है और नीचे अगर बात करेंगे पठार पड़ता है ठीक है जो क्षेत्र है ना पूरा बस्तर का पठार ये पठार के नाम से जानते हैं तो यदि ऐसे प्रश्न आता है ना कि पठार ये बस्तर के पठार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है भाई तो नंदीराज पहाड़ जो है नंदीराज चोटी जो है दोस्तों जो कि बैलाडीला पहाड़ी भी पड़ता है एक मीटर ऊंचा सबसे ऊंचा चोटी है उस क्षेत्र का या दक्षिणी क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के ऐसे भी आप ध्यान रखिए ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दंड पठार का निर्माण किस तरह के शैल समूहों से हुआ है अब मैंने आपको बताया कि जो दंडकार पठार है उसकी ऊंची चोटी की तो बात कर लिए वो जो क्षेत्र है क्षेत्र जो दक्षिणी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र में पूरा बस्तर संभाग आ जाता है ठीक है ना बस्तर है दंतेवाड़ा है कोंडागांव है कांकेर वाला थोड़ा एरिया हो गया आपका सुकमा हो गया बीजापुर हो गया ठीक है तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा जो है ये क्षेत्र जो का निर्माण जो है किस तरह के शैल समूहों से हुआ है ये प्रश्न पूछ रहा है तो किस तरह के शैल समूह से हुआ है आर्कियन शैल तथा धारवाड़ शैलों से इसका निर्माण हुआ है दोस्तों ठीक है ऐसे भी याद रखिए जहाँ पे जिस तरह के शैल समूह है ना वहां पे उसी तरह का खनिज निकलता है अब ये क्षेत्र पूरा जो है धारवाड़ शैल समूह आर्कियन शैल समूह के ऊपर बसा हुआ है तो जब खोदोगे ना उसको तो अंदर से क्या निकलता है पूरा लोहा एस निकलता है बैलाडीला वाली पहाड़ी जो है ना पूरा लोहा निकलता है वहां से ठीक है ना चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं केश काल घाटी में कितने मोड़ आते हैं ठीक है तो यार काल घाटी जो है ये कहा स्थित है ये जानना सबसे पहले जरूरी है केश काल घाटी जो है ना ये पड़ता है आपका कोंडा डिस्ट्रिक्ट में ठीक है पूरा गोल गोल राउंड 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 कोंडावाउंड टोटल जो है बारह जो है मोड़ हैं कितने मोड़ हैं बारह मोड़ हैं जो लोग केश काल घाटी गए होंगे उनको तो काफी आनंद आया होगा और काफी आनंद इसलिए आया होगा कि काफी डर लगा होगा है ना खैर मैं तो आज तक नहीं गया हूं बट मुझे खैर मैं यहाँ तो नहीं गया हूँ लेकिन मैं कहीं अन्य गया था जगह तो वहां मैंने घाटी का राउंड राउंड मारा था तो मुझे ये बात की समझ है कि काफी मजा आता है और वो मजा किस लिए आता है ठीक है तो कोंडा गांव में जो है दोस्तों ये केशकाल घाटी है छत्तीसगढ़ में और केशकाल घाटी की खासियत ये है कि छत्तीसगढ़ की दो बड़ी नदियों के बीच में सीमा रेखा बनाती है और कौन सी नदियां हैं महानदी जो कि केशकल घाटी के ऊपर से बहके निकल जाती है और केशकल घाटी के नीचे से जो है इंद्रावती बहके निकल जाती है ठीक है तो ये जियोग्राफिकल भी आपको ध्यान में रखना है विशेषता चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है अगला प्रश्न है निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम पे जमाएं ठीक है कुछ पहाड़ियों के नाम दिए हैं जिसको हमको उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा में सही क्रम पे जमाना है कि सबसे पहले उत्तर में कौन सा आएगा फिर उसके नीचे उसके नीचे ऐसे करते करते दक्षिण दिशा में कौन सा आएगा कुछ पहाड़ियां दोस्तों क्या नाम है पहला बेलाडीला पहाड़ी दूसरा रावघट की पहाड़ी तीसरा दल्ली राज की पहाड़ियां चौथा माड़ की पहाड़ी और पांचवा है दोस्तों प्रज्ञागिरी पहाड़ी ठीक है प्रज्ञागिरी पहाड़ी प्रज्ञागिरी पहाड़ी की क्या विशेषता है यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, गई है ऊपर तो लगाई गई है ना बनाई तो नहीं क्या चीज लगाई गई है यहाँ पे ठीक है प्रज्ञागिरी पहाड़ी पे ही तो ये कुछ पहाड़ियाँ दोस्तों अब इनको जमाना ऐसा है ना कि ये उत्तर से जो है आपको ऊपर से नीचे तरफ में ये आए तो सबसे पहले आएगा दोस्तों आपका प्रज्ञागिरी पहाड़ी जो कि राजनांदगांव में पड़ता है और यहीं पे पड़ता है डोंगरगढ़ जहाँ पे बमलेश्वरी माता का मंदिर स्थित है दोस्तों ठीक है तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आप सभी जानते हैं इसके नीचे जब आएंगे तो आएगा आपका बालोद वहां पड़ता है दल्ली राज की पहाड़ी ठीक है थोड़ा और नीचे सड़क के आएंगे तो कांकेर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल बॉर्डर पे आता है रावगढ़ की पहाड़ी जो कि नारायणपुर और कांकेर के बॉर्डर पे ही आता है रावगढ़ की पहाड़ी अब यहीं से जो है ना दोस्तों रावगढ़ से ही जो है अब लोहे ऐसे निकाला जाएगा भिलाई स्टील प्लांट के लिए तो ऊपर आया दोस्तों पहले राजनांदगांव में प्रज्ञागिरी पहाड़ी फिर उसके नीचे दक्षिण में सरक रहे हैं तो दल्ली राज की पहाड़ी जो कि बालोद में आता है फिर और नीचे आते हैं कांकेर में तो रावघट की पहाड़ी और नीचे आते हैं तो आपके नारायणपुर में आबूज की पहाड़ी और सबसे नीचे पड़ता है बेला डीला की पहाड़ी जो कि दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों ठीक है ये रहा नक्शे में आप देख सकते हैं ये देखो आप यहाँ ये प्रज्ञागिरी पहाड़ी यहाँ बालोद में दल्ली राज रहा यहाँ राय रावघाट यहाँ आपका आभूजार नारायणपुर में और बेलाडीला वाड़ा में तो ये जो पहाड़ियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण दिशा में दोस्तों ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान कितने संभागों में फैला हुआ है ठीक है तो भाई कितने संभागों में जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान फैला हुआ है तो सबसे पहले ये जान लो कि छत्तीसगढ़ में पांच संभाग है बिलासपुर रायपुर दुर्ग सरगुजा और बस्तर पांच संभाग हैं तो इन पांच संभाग में छत्तीसगढ़ का मैदान कितने संभागों में फैला हुआ है तीन संभागों में फैला हुआ है ठीक है तो तीन संभागों में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में टोटल पांच ही संभाग है जिसमें तीन में तो मैदान ही फैला हुआ है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मैदान है कितना बड़ा कितना विस्तृत होगा ठीक है करीब दोस्तों मुझे जहां तक याद आ रहा है छब्बीस वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है छत्तीसगढ़ का मैदान है ठीक है और ये बिलासपुर रायपुर और दुर्ग ये तीन संभागों में फैला हुआ है दोस्तों इसकी आकृति जो है पंखाकार है ठीक है ऊपर से आप देखोगे ना तो पंखा आकृति दिखती है छत्तीसगढ़ के आ, मैदान की और या फिर इसको चापाकार भी कहा जाता है कहीं कहीं ठीक है तो आपको दोनों नाम ध्यान में रखना है ये प्रश्न पूछता है छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति कैसी है ठीक है पंखा का मतलब एक पक्षी की तरह जो है ना पंख की तरह दिखता है इसका आकार केवल मैदान की बात कर रहा हूं मैं ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और ये जितनी चीज़ें हैं ना मैंने सब एक्सप्लेन वाली वीडियो बनाकर रखा हुआ है जियोग्राफी अब छत्तीसगढ़ जाके के ठो वीडियो दसों वीडियो को देखो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ ही बताया हूँ यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में और उसको कैसे याद करेंगे सारे उसमें जो है आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से याद कर लोगे काफ़ी अच्छे से ठीक है तो पहले थ्योरी को जाके देखिए उसके बाद जो है आप जो है ये ऑब्जेक्टिव वगैरह को सॉल्व कीजिए अगला प्रश्न है दोस्तों छाता पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है mm. तो किस जिले में स्थित है दोस्तों छाता पहाड़ बलौदा बाजार में वर्तमान में आता है दोस्तों ठीक है हिस्टोरिकल पहाड़ है अगला आता है दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा बाकसाइट भंडार वाला पाट क्षेत्र कौन सा है ठीक है प्रश्न यह है दोस्तों कि जो बॉक्साइट है कौन सा पाट क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा बाकसाइट के भंडार है ठीक है तो कौन सा है दोस्तों

अब प्रश्न है बस्तर के मैदान का फैलाव किन दो जिलों में पड़ता है दोस्तों ठीक है तो किन दो जिलों में पड़ता है आपका बीजापुर और सुकमा ये दो जिलों में जो है बस्तर का फैलाव जो है ये पड़ता है दोस्तों ठीक है ये दो जिले हैं बीजापुर और सुकमा नीचे तरफ में बिल्कुल पड़ता है इसके अलावा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है मैदान वाला आपका महानदी वाला हो गया ऊपर में जो है आपका ये आपका कोरबा और ये आपका जांजगीर चापाला के मैदान थोड़ा बहुत आता है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है ठीक है तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है दोस्तों कौन सा है महानदी अपवाह तंत्र है करीब छप्पन दशमलव एक पांच प्रतिशत क्षेत्र जो है महानदी अपवाह तंत्र ही घेरता है और मैंने आपको बात अभी बताई थी कि महानदी जो है कहाँ से निकलती है धमतरी में स्थित सिहावा पर्वत से निकलती है पूरा मैदान जो है उपजाऊ मैदान केवल केवल महानदी की देन है दोस्तों ठीक है तो ये जो है छप्पन दशमलव एक पाँच प्रतिशत जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में और सबसे छोटा कौन सा होगा नर्मदा अपवाह तंत्र है दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत नर्मदा अपवाह तंत्र सबसे छोटा अपवाह तंत्र है दोस्तों ठीक है और इसमें जो है पांच अपवाह तंत्र आते हैं छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र आता है गोदावरी अपवाह तंत्र भी आता है कुछ नदियां नीचे गोदावरी में जाकर सब मिलती है ठीक है तीसरा था सोन नदी अपवाह तंत्र मैंने अभी आपको बताया ना रिहंद वगैरह है गोपत है बनास ये सब ऊपर तरफ जाके जो है मिल जाती हैं रिहंद नदी से तो ये रिहंद अपवाह तंत्र आता है उत्तरी दिशा में ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र भी आता है थोड़ा बहुत पूर्वी दिशा में और आपका पश्चिमी दिशा में नर्मदा नदी अपवाह तंत्र आता है जो कि एकदम टच करते हुए निकल जाता है बिल्कुल है ना थोड़ा बहुत जो कबीर धाम की नदियां हैं ना वो सब जाके इसमें गिरती हैं मिलती हैं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है छप्पन दशमलव एक पांच प्रतिशत के साथ महानदी अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों महानदी शिवनाथ नदी तथा जोक नदी का संगम कहाँ होता है तो महानदी शिवनाथ नदी और जोक नदी का संगम कहाँ होता है दोस्तों शिवरी नारायण में होता है ठीक है शिवरी नारायण में होता है जांजगीर में ठीक है ये भी काफी महत्वपूर्ण है अगला प्रश्न है दोस्तों नारंगी नदी का उद्भव किस जिले से होता है ठीक है तो मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में जो नदियां है ना उनके नाम बड़े जबरदस्त लगते हैं दूध नदी नारंगी नदी तेल नदी है ना सूर्या नदी एक से एक नदियां है दोस्तों है ना महानदी नाम ही महानदी और काम भी बिल्कुल महानदी है एकदम बहुत बड़ी महानदी है ना तो नारंगी नदी का जो उद्भव है दोस्तों किन जिलों से होता है कोंडा गांव डिस्ट्रिक्ट से जो है दोस्तों नारंगी नदी निकलती है अगला प्रश्न है दोस्तों गुडरा और निब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं ठीक है गुडरा और निबरा जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं तो कौन सी नदी की है इंद्रावती नदी की जो है दोस्तों ये सहायक नदियां हैं देखिए जब इंद्रावती नदी जो है ना उड़ीसा से निकल कर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है ये बस्तर है आपका कोंडावा टच करते हुए फिर अपना जो है इधर ये बीच में दंतेवाड़ा क्रॉस करते हुए जब नारायणपुर पहुंचती है ना तो यहाँ पे जो है नारायणपुर में दो नदियाँ हैं गुड्रा और निब्रा ये दोनों बह के जो है इंद्रावती में मिल जाती है मस्त ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंद्रावती की सहायक नदियाँ हैं गुड्रा और निब्रा जो कि नारायणपुर जिले में से निकलती है और वहीं पर वहीं जाके मिल जाती है इंद्रावती में ठीक है अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्या नदी किस जिले में बहती है ये प्रश्न जो है मेरे ख्याल से आपको कभी देखने नहीं मिला होगा कहीं पे ठीक है बिल्कुल नया होगा शायद मेरे ख्याल से आप बताएगा मुझे कमेंट करके कि ये प्रश्न या कुछ प्रश्न जो है आपको नए लगे कि नहीं लगे तो सूर्या नदी जो है किस जिले में बहती है तो कौन सी जिले में बहती है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बहती है दोस्तों सूर्या नदी चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों और देखिए जो सूर्य नदी है ना कौन सी नदी में मिलती है रिहंद नदी की सहायक नदी है ठीक है ना रिहंद नदी जो उत्तर दिशा में जाके बह जाती है सोन नदी में मिल जाती है ना तो इसी रिहंद नदी में जाके सूर्य नदी मिलती है और ये सीधा रिहंद नदी लेके जाती है इसको कहा सोन नदी में ठीक है चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों ईब नदी का उद्भव कहां से हुआ है तो ईब नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है पांड्रा पाठ जशपुर ठीक है कहां से हुआ है पांड्रा पाठ जशपुर से हुआ है यह महानदी में जो है दोस्तों मिलता है संभलपुर उड़ीसा के आसपास में ठीक है बाहर बाहर ही बहके आता है सीधा और संभलपुर के पास जो है महानदी में ये विसर्जित हो जाती है ईब नदी ठीक है सोने और के कड़े मिलते हैं भैया ईब नदी में काफी महत्वपूर्ण नदी है चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों महानदी की छत्तीसगढ़ में कुल कितनी लंबाई है ठीक है तो महानदी की जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल कितनी लंबाई है ठीक? दो सौ चीहा, किलोमीटर लंबाई ठीक है यानी कि अब आप ये बोलोगे ये कैसे आप बात कर रहे हो छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई मतलब क्या मतलब ये है दोस्तों कि ये जो है ना धमतरी की सिहावा से निकलती है छत्तीसगढ़ के आठ जिलों में घूमते हुए ये जो है चली जाती है उड़ीसा में ठीक है कहाँ चली जाती है उड़ीसा राज्य में ये प्रवेश कर जाती है घूम के पूरा छत्तीसगढ़ एक राउंड और ये सीधा जाती है हीराकुंड होते हुए है ना क्रॉस करते हुए सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है महानदी ठीक है तो बहुत लंबी है दो राज्यों में बहती है सीधी सीधी बात की जाए तो ठीक है पूरा राज्य क्रॉस करके चली जाती है ये दोनों को तो मैं ये कह रहा था कि हीराकुंड पे भी जो है ये डैम है जो सबसे बड़ा बांध है ठीक है ना तो अब हम बात कर रहे थे कि 286 किलोमीटर जो है ये केवल छत्तीसगढ़ में बहती है लेकिन इसकी कुल लंबाई की बात करें टोटल लेंथ की बात करें छत्तीसगढ़ से लेकर टोटल जो है बंगाली खाड़ी तक जाते तक ये आठ किलोमीटर लंबी बहती है महानदी इसीलिए इसका नाम जो है ना महानदी है ठीक है हालांकि इसका नाम जो है महानदी जो है शिंगी ऋषि के शिष्य थे उनके नाम के ऊपर में रखा गया है ठीक है लेकिन इसकी लंबाई देख के भी आप इसको महानदी कह सकते हैं तो दो किलोमीटर छत्तीसगढ़ में और टोटल लंबाई आठ किलोमीटर है दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में बहती है अभी मैंने बताया यार तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में बहती है आठ जिलों में ये बहती है कौन कौन से जिलों में बहती है धमतरी से निकली फिर कांकेर कांकेर के बाद जो है आपका बालोद फिर बालोद से ना ये दोबारा धमतरी में प्रवेश करती है मैं आपको बता दूं ये दोबारा धमतरी में प्रवेश करती है ठीक है थोड़ा सा इसके बाद जो है रायपुर गरियाबंद फिर महासमुंद महासमुंद होते हुए बड़ौदा बाजार जाती है फिर थोड़ा जांजगीर चापा से होते हुए रायगढ़ क्रॉस करते हुए निकल जाती है दोस्तों ठीक है तो इस प्रकार से आठ जिलों से जो है महानदी जो है ये बहती है दोस्तों ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है ठीक है अब प्रश्न ये है कि महानदी तो छत्तीसगढ़ में दो किलोमीटर बहती है लेकिन ऐसी कौन सी नदी है जो पूरा छत्तीसगढ़ से ही निकलती है और छत्तीसगढ़ में ही विलुप्त हो जाती है ठीक ना लेकिन सबसे लंबी बहती है ये बात आपको समझ आ गई ना तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है शिवनाथ नदी है 290 किलोमीटर जो है ये बहती है छत्तीसगढ़ में मतलब महानदी से भी ज्यादा लंबा ये बहती है छत्तीसगढ़ में ठीक है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है महानदी के बाद जो है जो है अगर पूरी महानदी लंबाई में बात करेंगे टोटल लंबाई में बात करेंगे तो महानदी के बाद शिवनाथ नदी का ही नंबर आता है लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी की अगर प्रश्न आ जाए ऐसा तो आपको शिवनाथ नदी लगाना है ये दो किलोमीटर बहती है और महानदी दो किलोमीटर ही बहती है, बहती है चार किलोमीटर कम बहती है शिवनाथ से ठीक है और जो शिवना शिवनाथ नदी है ना ये कहां से निकलती है पाना बरस पहाड़ी राजनांदगांव से निकलती है और ये बहती हुए आ जाती है शिवरी नारायण में जहां ये जो महानदी शिवनाथ नदी और जोक नदी थोड़ा सा आगे में जोक नदी आके मिलती है जोक नदी ये तीनों का संगम यहां पे हो जाता है ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं महानदी तथा इंदिरावती नदी के बीच कौन सा पहाड़ विभाजन रेखा बनाता है ठीक तो पहार है तो पहाड़ है पहाड़ी है या क्षेत्र है या घाटी कुछ भी कह लीजिए कौन सा है जो कि विभाजन रेखा बनाता है तो मैंने अभी केशकाल घाटी जब बताया आपको तो मैंने बताया कि उसमें बारह मोड़ है भैया और ये जो है इसकी विशेषता ये है कि ये महानदी जो कि उसके उत्तर में है केशकाल घाटी के और आपका इंद्रावती नदी जो कि इसके दक्षिण में है यानी केशकल घाटी के दक्षिण में है दोनों के बीच में ये स्थित है तो यह जो है दोस्तों विभाजन रेखा बनाता है ठीक है तो ये था दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित जो है कुछ कुछ क्षेत्रों से जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने नदियों का लिया मिट्टियों का लिया ठीक है पहाड़ी क्षेत्र पहाट प्रदेश ये सबका कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ठीक है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है भूगोल काफ़ी बड़ा है तो भूगोल इतिहास सारा सारा काफ़ी बड़ा है तो भूगोल पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिया हुआ है जाके आप वहाँ पर अच्छे से समझिए ठीक है ना कोई भी चीज़ को अच्छे से थ्योरी को समझोगे ना तब जाके आप जो इसका एम कर पाओगे ठीक है और ख़ासियत ये है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ जाके पढ़ोगे ना उसकी देखोगे ना डिस्क्रिप्शन में जाके आप थ्योरी को तो वहाँ जो चीज़ें बताई गई है ना इस तरह से वीडियो बनाया गया है कि आप उस वीडियो को देखने के बाद समझने के साथ साथ आपको याद भी हो जाए और याद कैसे होगा उसमें ट्रिक्स बताए गए हैं कि भाई जैसे आठ जिले हैं मैंने जैसे आठ जिले के बारे में बताया ना कि आठ जिलों से बहती है तो उन आठ जिलों को कैसे याद करोगे तो उसका ट्रिक जो है उसे बताया गया है मस्त मस्त तो आप वहां से जाके आसानी से याद कर लोगे मतलब वीडियो देखा और तुरंत आपको ट्रिक याद हो जाएगा और ट्रिक जैसे याद होगा जैसे आप एमसीपीएस करोगे तो आपको पूरा उंगलियों पर जो है आठ जिले याद रहेंगे ठीक है दोस्तों तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए साथ ही मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो कि मुझे काफ़ी प्रिय हैं दोस्तों ये लोगों ने जो है मुझसे इकोनॉमिक्स और मैथ्स पे जो है वीडियो बनाने के लिए आग्रह किया है तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल जो है मैथ्स पे और इकोनॉमिक पे भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए साथ ही जो है राष्ट्रीय आंदोलन पर भी जो है कुछ लोगों ने कहा था कि सर राष्ट्रीय आंदोलन का जो है पूरा कंप्लीट करा दीजिए नाइनटीन तक तो उसको भी मैं जो है आप लोगों के लिए जल्दी बना दूंगा तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट